हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बनाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा दूसरा चैनल है क्यानी टेक, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट की कॉम्पोनेंट लिस्ट और सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं 5 वोल्ट रिले को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को रिले की नॉर्मली ओपन पिन के साथ, इसकी दूसरे पिन को रिले की कॉमन पिन के साथ और इसकी तीसरे पिन को रिले की नॉर्मली क्लोज पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी दूसरे पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके एनोड को रिले की सेकंड कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक LED को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 100 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को LED के कैथोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके दूसरे पिन को डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसके पिन नंबर 1 को डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 10K रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसके एक पिन को ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक IR सेंसर को कनेक्ट करूंगा और इसकी VCC पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा, इसकी ग्राउंड पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी डिजिटल आउट पिन को 10K रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।